एसएससी सीएचएसएल यानी कि 10+2 2022 का आवेदन शुरू हो चुका है। इस वीडियो में हम आपको इसके नोटिफिकेशन के साथ ये भी बताएंगे कि आप इसका आवेदन अपने मोबाइल से कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले नोटिफिकेशन से। यहाँ पर देखिए, यह है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी, और एसएससी में हर साल की आने वाली सीएचएसएल यानी कि 10+2 की ये भर्ती होगी 2022 के लिए। इसका आवेदन शुरू हो गया है 1 फरवरी 2022 से, अंतिम डेट होगा 7 मार्च 2022। यहाँ पर जिन लोगों को फीस जमा करनी है 8 मार्च 2022 तक जमा कर पाएंगे। अगर आप करेक्शन करना चाहते हैं तो आपको 11 से लेकर 15 मार्च तक का मौका मिलेगा। इस बार एसएससी ने एक नया चीज़ ऐड किया है जो कि है करेक्शन का, लेकिन इसके लिए आपको ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा एसएससी को। यहाँ पर जो पहला एग्ज़ाम होगा मई 2022 में हो सकता है, और इसके लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये, एसी एसटी पीएच और सभी कैटेगरी की महिलाएं बिना किसी शुल्क के इसका आवेदन कर पाएंगी। लेकिन अगर इनमें से कोई भी कैंडिडेट पहले बार करेक्शन करना चाहता है तो उसको 200 रुपये का पेमेंट करना होगा। अगर ये करेक्शन आप दूसरी बार करने जा रहे हैं तो आपको 500 रुपये का पेमेंट करना होगा। यानी कि आप केवल 2 बार करेक्शन कर सकते हैं। पहली बार में आपको 200, दूसरी बार के लिए आपको 500 रुपये देना होगा। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए। आगे हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपना फॉर्म कैसे भर पाएंगे ताकि आप कोई गलती ना करें। उम्र काउंट की जाएगी 1/1/2022 के दिन, और इस दिन आपकी उम्र कम से कम 18 साल अधिकतम 27 साल हो सकती है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि जो आपका डेट ऑफ बर्थ है 2/1/1995 के बाद और 1/1/2004 तक का होना चाहिए। अगर आप अधिकतम उम्र सीमा में छूट चाहते हैं तो आपको इसका जो नोटिफिकेशन है पढ़ना होगा। डायरेक्ट लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यहाँ पर ये भर्ती LDC, JSA, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए होती है। यह है SSC का CHSL एग्ज़ाम, और इसका पे स्केल होगा 5200 से लेकर 20200, और इसके लिए आपको 12वीं पास होना जरूरी होता है। आपके स्क्रीन पर इसका नोटिफिकेशन है जहां पर वही सारे डेट बताए गए हैं जो अभी हम आपको बता चुके हैं। आपको आवेदन करने से पहले इसका नोटिफिकेशन जरूर पढ़ना चाहिए। यहां पर एक सवाल होता है कि यहां पे वैकेंसी कितनी है, तो वैकेंसी SSC कोई क्लियर नहीं बताती है पहले, बाद में आपको जानकारी दी जाती है। तो वैसे ही यहां पर भी वैकेंसी के बारे में कोई अपडेट नहीं दिया गया है। अगर आप भारत के नागरिक हैं तभी इसका आवेदन कर पाएंगे। SC ST को अधिकतम उम्र सीमा में 5 साल, OBC को 3 साल की छूट मिलेगी। यहाँ पर जो इसका एग्ज़ाम सिलेबस रखा गया है, इसमें होगा इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ और GA। सभी 25 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के लिए, आपको 60 मिनट मिलेगा। यह है Tier 1 का सिलेबस। आवेदन शुरू करने के लिए आपको इस वेबसाइट पर आना होगा। अगर आप मोबाइल यूजर हैं तो अपने मोबाइल को डेस्कटॉप व्यू में कर लें। इसके लिए आप अपने मोबाइल का क्रोम ब्राउजर ओपन करिए, दाएं तरफ ऊपर क्लिक करिए और डेस्कटॉप व्यू में जरूर कर लीजिए। अगर आप पिछले 3 से 4 सालों में SSC का कोई भी फॉर्म भरा होगा तब आपको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। केवल यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम डालना है, यहाँ पर पासवर्ड डालना है और ये कैप्चा कोड यहाँ लिख करके सीधे लॉगिन पे क्लिक कर देना होगा। अगर आपको अपना यूजर नेम पता है लेकिन पासवर्ड नहीं पता है तो आप फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं। लेकिन जो लोग पहली बार इसका आवेदन करेंगे उनको यहाँ पे न्यू यूजर वाले पे क्लिक करना पड़ेगा, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि आपको खुद को रजिस्टर करने की ज़रूरत है। यहाँ पर सबसे पहले नंबर पे पूछा जाएगा कि क्या आपके पास आधार कार्ड है, तो अगर आप यस करेंगे तो आपको आधार नंबर देना होगा। अगर आप नो कर देंगे तब आपको आधार नंबर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर आपको बताना होगा कि आप कौन सी ID लेकर के इसका एग्ज़ाम देने जाएंगे। तो आपके पास आधार कार्ड जरूर होगा और आप यस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको आधार नंबर एंटर करना है, फिर यहाँ पर आधार नंबर को दोबारा एंटर करना होगा। यहाँ पर हर चीज़ें 2 बार भरी जाएगी, और उसका कारण ये है ताकि आप कोई गलती ना करें। दूसरे के ए वाले में आपको नाम भरना होगा, फिर दूसरे के बी वाले में आपको अपना नाम दोबारा भरना है। अगर आप इससे पहले कभी नाम चेंज किए हैं तो आपको यस करना होगा। अगर आप चेंज किए होंगे तो यहाँ पर उसे भरना है, और अगर आप नहीं किए हैं तो आप नो पर ही रहने दीजिए। यहाँ पर आपको पिता का नाम भरना है, यहाँ पर दोबारा पिता का नाम भरना है, यहाँ पर माता जी का नाम भरना है, और यहाँ पर दोबारा माता जी का नाम भरना है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भरना होगा, जिसका फॉर्मेट होगा पहले डेट, फिर मंथ, फिर ईयर। उसके बाद दोबारा आपको डेट ऑफ बर्थ भरना है। अब बारी है 10वीं की। 10वीं में आपको बताना होगा कि आपका बोर्ड कौन सा है। जो भी आपका बोर्ड हो आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं।
यहाँ पर दोबारा आपको बोर्ड सेलेक्ट करना पड़ेगा। हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि हर चीज़ आपको दो बार भरनी होगी। दसवीं का रोल नंबर यहाँ पे आपको भरना है, यहाँ पर दोबारा दसवीं का रोल नंबर भरना है। दसवीं आप कब पास आउट हैं उसको यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर दोबारा आपको सिलेक्ट करना है कि आप दसवीं पास आउट कब से हैं। अब बारी है जेंडर की, जहाँ पर आपको मेल या फिर फीमेल में चुनना होगा। तो अगर आप मेल हैं तो मेल चुनिए, फिर दोबारा चुनना होगा। यहाँ पर लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मतलब कि इस भर्ती का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लेवल क्या है, तो आप इसमें 10+2 कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर देना है, मोबाइल नंबर वही दीजिए जो कि चालू हो। दोबारा मोबाइल नंबर देना है, यहाँ पर आपको ईमेल आईडी देनी है और यहाँ पर आपको दोबारा ईमेल आईडी देनी होगी। नीचे वाले लास्ट वाले ऑप्शन में आपको अपना स्टेट बताना होगा, और ये सब अगर सब कुछ सही आपने भरा है तो यहाँ पर जा कर के सेव वाले बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपनी कैटेगरी बतानी होगी। जैसे आप सेव वाले पे क्लिक करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर कुछ इस तरह से मिल जाएगा। आपको अपनी कैटेगरी चुननी होगी, जनरल, EWS, OBC, SC, ST, जो भी आपका है, आप भारत सरकार के लेवल पे आप चुन सकते हैं। यहाँ पर दोबारा आपको कैटेगरी बतानी है। उसके बाद आपको बतानी है नागरिकता, तो आप इंडियन ही होंगे तो यहाँ पर सिटीजन ऑफ इंडियन चुनना होगा। 13वें नंबर पे आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क बताना है, मतलब कि आपके शरीर पे कहीं कटे का निशान है, कहीं कोई मोल है तो आप बता सकते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि क्या आप हैंडीकैप हैं, तो अगर आप हैंडीकैप हैं तो यस करिए, नहीं है तो आप नो कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर आप हैंडीकैप होंगे तो आपको कुछ चीज़ें भरनी होंगी, जैसे कि हैंडीकैप में आपको क्या दिक्कत है। अगर आप नो कर देंगे तो ये सारी चीज़ें भरने की ज़रूरत नहीं है। अब बारी है आपका एड्रेस की, तो यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस भरना है, जो भी आपका पूरा होता है, जैसे कि विलेज, अगर आप गांव से हैं तो पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, ये सब आप बता सकते हैं। यहाँ पर आपको स्टेट बताना होगा, यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट बतानी है, यहाँ पर आपको 15वें D वाले में पिन कोड बताना होगा। और अगर आपका एक ही एड्रेस है जहाँ पर आप रहते भी हैं और ये आपका कम्युनिकेशन भी चाहते हैं यहीं पर, तो आप यहाँ पर यस कर देंगे। जब आप यस करेंगे तो ये जो ऊपर आपने एड्रेस भरा है ये ऑटोमेटिक यहाँ पे भर लिया जाएगा। ये भरने के बाद आपको यहाँ जा कर के सेव करने के बाद नेक्स्ट वाले पे क्लिक करना है। जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप देखिए आपके सामने एक डिक्लेरेशन फार्म है, और यहाँ पर यही लिखा गया है कि यहाँ पर जो भी चीज़ें हमने भरा है ये मेरी जानकारी में सब कुछ सही है। अगर किसी भी स्टेज में कोई गलती पाई जाती है तो हमारा जो फार्म है इसे कैंसिल कर दिया जाए। यहाँ पर आई एग्री वाले पे आपको चेक बॉक्स पे ट्रिक करना होगा, और यहाँ पर आप फाइनल सबमिट वाले पे क्लिक कर सकते हैं। तो ये था उन लोगों के लिए जो लोग अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, लेकिन अब इतना करने के बाद उनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, उनको उनके मोबाइल और ईमेल पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर, एक पासवर्ड भेजा जा चुका है। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और एक कैप्चा कोड डाल करके सीधे उनको लॉगिन करना होगा। जब लॉगिन करेंगे तो उनको जो उनका डिटेल है जो अभी उन्होंने भरा है या फिर रजिस्ट्रेशन के समय भरा था वो दिखने लगेगा कुछ इस तरह से। यहाँ पर आप कुछ चीज़ें चेंज नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको जो चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी ये होगा एग्जामिनेशन सेंटर। आपको एग्जामिनेशन सेंटर चुनना होगा, आपके स्टेट में ज़रूर कोई ना कोई सेंटर होगा। यहाँ पर आपको 3 सेंटर चुनने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर आप पहले वाले विकल्प, दूसरे वाले विकल्प और तीसरे वाले विकल्प में चुन लें। इसके बाद कहा गया है कि टाइपिंग टेस्ट किस भाषा में देना चाहते हैं, तो अधिकतर लोग इंग्लिश भाषा को ही आगे रखेंगे, तो यहाँ पर आप इंग्लिश रख सकते हैं। अगर आप हिंदी में लेना चाहते हैं तो हिंदी को भी रख सकते हैं। यहाँ पर आपको दोबारा वही चीज़ें भरनी होगी वेरिफिकेशन के लिए, और यहाँ पर पूछा गया है कि क्या आप 12वीं साइंस स्ट्रीम के साथ पास हैं, तो आपको यस कर देना है अगर आपके 12वीं में साइंस है तो, अगर नहीं है तो आप नो कर सकते हैं। आगे पूछा गया है कि क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं, तो आप यस या फिर नो कर सकते हैं। अगर आप नो कर देंगे तो कई सारी चीज़ें जो आपको भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आप एक्स सर्विसमैन होंगे तब आपको इनमें से कई चीज़ें भरने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि आपने कब ज्वाइन किया, कब छोड़ा। यहाँ पर देखिए, अब अगर आप अधिकतम उम्र सीमा में छूट चाहते हैं तो यहाँ पर 20.1 वाले में आपको यस करना होगा, अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप नो वाले पर ही क्लिक करेंगे। अब 21 नंबर में अधिकतम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछा गया है, तो आपके पास आप 12वीं है तो आप 12वीं भर दीजिए, ग्रेजुएशन है तो आप ग्रेजुएशन को भी भर सकते हैं, लेकिन इस भर्ती में 12वीं के लिए है तो आप 12वीं को ही भरिए। यहाँ पर देखिए 12वीं के डिटेल को अब बताना होगा।
यहाँ पर इस भर्ती के लिए 12वीं मांगा गया है, तो यहाँ पर पास होना चाहिए 12वीं। आप कब पास हुए हैं, किस राज्य से पास हुए हैं, आपके बोर्ड का नाम क्या है, 12वीं का रोल नंबर क्या है और परसेंटेज कितना है, ये सब यहाँ पे बताया गया है। अब आप देखेंगे कि जो आपने एड्रेस भरा था वो ऑटोमेटिक भरा जा चुका है। अब बारी है आपके फ़ोटो और सिग्नेचर की। यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर देने में आपको कई सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। आपका फ़ोटो कुछ इस तरह से होना चाहिए जो कि क्लियर हो, आपके दोनों कान दिख रहे हों, आपका दोनों कंधा दिख रहा हो, आप एकदम सामने देख रहे हों। आपका फ़ोटो अगर इस तरह का या फिर इस तरह का हुआ तो आपका फॉर्म कैंसिल कर दिया जाएगा। अगर इन्वर्टेड है या फिर ज़्यादा काला है, आपने चश्मा यूज किया है, या फिर आपका फ़ोटो उल्टा है, बहुत ज़्यादा छोटा है, या फिर आप इधर उधर देख रहे हैं, या फिर आप चश्मे लगाए हैं, तो आपका फॉर्म कैंसिल किया जा सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि आपका फ़ोटो क्लियर और इस तरह दिखाई देता हो। उसके साथ आपको अपनी सिग्नेचर भी अपलोड करनी है। सिग्नेचर का जो साइज होगा 10 से 20 के भी होगा, फोटो का साइज 20 से 50 के भी होगा। ये करने के बाद अब आपको 27वें नंबर पे बताना है कि क्या आपका फोटोग्राफ 1 नवंबर 2021 के बाद लिया गया है, तो आप यस कर सकते हैं। यहाँ पर आप जो भी फोटोग्राफ यूज करें वो लेटेस्ट होगा तो ही अच्छा है। यहाँ पर आपको ये डिक्लेरेशन मिलेगा जिसको आपको पढ़ लेना है। आई एग्री के सामने चेकबॉक्स पे टिक करना है। ये कैप्चा कोड यहाँ पर भरना होगा। अब यहाँ पे प्रीव्यू वाले पे क्लिक करना होगा। जब आप प्रीव्यू वाले पे क्लिक करेंगे जो आपका फॉर्म है ये आपको दिखाया जाएगा, और उसके बाद अगर आप फीस जमा करने वाले कैटेगरी में आते हैं तब आपको फीस भी जमा करनी होगी। अगर आप फीस जमा करने वाले कैटेगरी में नहीं आते हैं तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो इस तरह बड़े ही आसानी से आप अपना आवेदन कर पाएंगे। अगर आपको आवेदन करने में कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के वीडियोज के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।